हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी बिस्किट की रेसिपी। तो हमने यहाँ पर बिस्किट बनाने के लिए आधी कटोरी घी ले लिया है। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पिसी हुई शक्कर ले ली है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है आधा चम्मच। तो चलिए करते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है और इस पर हम ये घी डालेंगे। घी हमारा ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये जमा हुआ होना चाहिए, ये देखिए। और इसी पर डालेंगे हम ये अपनी पीसी हुई शक्कर। और दोनों को हमें अच्छी तरीके से एक चम्मच से या किसी मिक्सर की सहायता से अच्छी तरीके से क्रीमी होने तक फेंट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे घी और शक्कर अच्छी तरीके से फेंट चुका है। अब हम इस पर डालेंगे ये एक कटोरी मैदा और इसी पर हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। और इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हमें जोर से हाथ से नहीं मिक्स करना है, आराम आराम से हमें इसे मिक्स करना है और एक फाइन डो बना लेना है। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हमें धीरे धीरे अपने हाथों से इसका सख्त आटा लगा लेना है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से इसे नहीं मैश करना है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस डो को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। अगर आपको डो बनाते समय परेशानी हो तो आप इसमें अलग से घी ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी या दूध का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो ये देखिए, कितने अच्छी तरीके से हमने अपने आटे को तैयार कर लिया है। मैंने बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर दो प्लेट ले ली है और इसे मैं घी से अच्छी तरीके से ग्रीस करूँगी। ये देखिए, आप कोई भी प्लेट का यूज कर सकते हैं या किसी भी केक टिन का यूज कर सकते हैं। मैं इसे विदाउट ओवन बनाकर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें दोनों प्लेट पर हमने जो ये डो तैयार किया था, अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेना है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, हमें ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं बनाना है, ज़्यादा बड़ी बिस्किट नहीं बनाना है क्योंकि ये फूल कर डबल होंगी। और इस तरीके से हमें इस प्लेट पर रख देना है। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने सारी बिस्किट बनाकर तैयार कर ली है और इस तरीके से मैंने प्लेट पर इन्हें दूर दूर पर रखा है क्योंकि ये पकने के बाद डबल होती हैं। और मैंने ये चिरौंजी के दाने इन पर लगा दिए हैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, ताकि ये बिस्किट हमारी देखने में अच्छी लगे। ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंड, मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है और ये एक इस तरह का बर्तन ले लिया। आप कोई भी कुकर या कढ़ाई ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने नमक डाल लिया है। अब 5 मिनट के लिए मैं इसे फ्री हीट करूँगी। अब मैं इन प्लेटों को इस तरीके से इस पर रख दूँगी सेट करके। ये देखिए, 10 से 15 मिनट के लिए। आप 10 मिनट के बाद अपनी बिस्किट को चेक कर लीजिएगा क्योंकि अगर हमारे बर्तन पतले होंगे तो ये जल्दी पकेंगे। और इस तरीके से हमें ढक करके इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए बेक करना है। फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिस्किट बिल्कुल भी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है हमारी बिस्किट का। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे प्लेट पर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, झटपट से बनकर तैयार है हमारी मैदा बिस्किट। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस बिस्किट को बनाया है। ये देखिए, कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी बिस्किट तैयार हो गई। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मैं आपको ऐसे ही आसान से वीडियो लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।